रामलीला में दिखा विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, आप और कांग्रेस नेताओं का कहना, तानाशाही के खिलाफ हुई रैली, आप नेताओं ने कहा मिलकर जीत सकते हैं चुनाव। ऑटो से गिरी लड़की की हालत में नहीं है ज्यादा सुधार, पीड़िता नहीं है बात करने की स्थिति में, जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। रविवार रात 12 बजे तक जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स, अधिकारी जगह जगह कर रहे हैं अनाउंसमेंट, टैक्स में नहीं दी गई कोई छूट। शाहदरा पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन हुए बरामद, 16 लाख की हुई थी धोखाधड़ी। शाहदरा साइबर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने 16 लड़कियों को किया था चीट, आरोपी से एक दूसरे मामले का हुआ खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव, में हूं आपके साथ काजल चौधरी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इंडिया गठबंधन के तहत रविवार को रामलीला मैदान में महारैली हुई जिसमें तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली में तमाम स्थानों पर जाकर कांग्रेस नेताओं से मिले, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली का ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं जो कांग्रेस की भागीदारी पूर्वी दिल्ली से ना दिखाए। कांग्रेस नेता त्रिवेश अत्री ने बताया कि अरविंदर सिंह लवली के साथ डॉक्टर नरेंद्र नाथ, संदीप दीक्षित, भीष्म शर्मा, अनिल चौधरी, नसीब सिंह इत्यादि बड़े कांग्रेस नेता पूर्वी दिल्ली से शामिल रहे। साथ ही संवाददाता ने उनसे बात की कि इस रैली का लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह पिछले 10 सालों से संविधान से छेड़छाड़ और उसका उल्लंघन कर शासन किया जा रहा है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की शाहदरा महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा मलिक ने बताया कि संविधान का उल्लंघन करने वाली तानाशाही सरकार के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोला है। उन्होंने यह भी साफ किया कि एक मुट्ठी बनाकर ही जंग जीती जा सकती है, अलग होकर नहीं, और लोकतंत्र खतरे में है, जनता को जागना होगा, इसलिए भी रैली आयोजित की गई है। देखिए, जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर भारत के अंदर भारत के लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न जो सरकारी हमारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जो उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, और वो भी चुनाव के समय जब आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव चालू है, उसके खिलाफ़ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज महारैली करने जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ रैली। हम उसी में जाने के लिए यहाँ हमारे आज़ाद नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता कार्यकर्ता आज बस द्वारा वहाँ पहुँच रहे हैं। जी देखिए, वो कुछ ऐसे वर्कर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में ये रैली हो रही है, तो इसके अंदर इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, जो इंडिया गठबंधन में है, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट और आम आदमी पार्टी, जितने भी हमारे इंडिया ब्लॉक के हैं, साउथ में दुर्मुख हैं और तमिलनाडु के लोग हैं, वो सारे इस रैली में आ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की रैली है। पूर्वी दिल्ली से तो सबसे जो बड़ा चेहरा है हमारे जो अरविंदर सिंह लवली जी हैं, वो तो इसको लीड कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर नरेंद्र नाथ हैं, नसीब सिंह हैं, भीष्म शर्मा जी हैं और संदीप दीक्षित जी हैं, अनिल चौधरी जी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं और सभी लोग वहाँ पर अपनी मेहनत, क्योंकि लड़ाई जो है वो लोकतंत्र बचाने की है। कि अरविंद केजरीवाल जी को जो ईडी ने अपने हिरासत में लिया हुआ है, पहली बात तो वो जो हमारे लोकतंत्र में इस चीज़ की हत्या की जा रही है कि आप लोग इस तरीके से गलत तरीके से, जबकि उनका कोई सबूत नहीं मिला है आज तक ईडी को, तो आपने अरविंद केजरीवाल जी को अपने गिरफ्त में लिया क्यों हुआ है, तो पहला मुद्दा तो हमारा यही है। लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर गलत नीतियों से, अगर मोदी सरकार गलत नीतियों से इसी तरह सब लोगों को अंदर की करती रहेगी, तो हम कैसे देश चलाएंगे। तो हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है और हम आवाज़ उठाएंगे।
दिल्ली के शास्त्री पार्क में फोन छीनने के लिए स्कूटी सवार बदमाशों ने चलते ऑटो से युवती को सड़क पर गिराया था। इसके बाद वे फोन लूटकर फरार हो गए थे, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसे जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी फिलहाल पीड़िता की हालत में थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी बात करने की स्थिति में नहीं है। वहीं परिवार ने बताया कि घटना को सूचना पाते ही वह पहले जग प्रवेश अस्पताल गए, उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया। अभी लड़की का इलाज चल रहा है। ये कहाँ पर एडमिट है? ये जीटीबी में रेफर कर दिया था, उसका हस्बैंड आ गया था। अच्छा, क्या क्या पूरा मामला, एक बार मामला बताएंगे थोड़ा सा? वो मोबाइल चोरी का था, वो छीन के ले रहे थे, मोटरसाइकिल छीन के ले जा रहे थे वो स्कूटी वाले। अच्छा। हाँ, तो वो ऑटो में जैसे जैसे चपट्टा मारा वो उसे पकड़ के लटक गई हाथ पे उसको। अच्छा। इसने झटका मार दिया वो रोड पे स्पीड में। अच्छा। वो खून मुल निकला वैसे ले गए जीरो पुस्ते लौटा दिया वहाँ जीटीबी। अच्छा, घर वाले? हाँ हाँ। कितनी चोट है? वो थोड़ा खून मून आ गया था बस, ज्यादा। आरोपी गिरफ्तार करा नहीं किया? नया भी नहीं करा। नगर निगम के हाउस टैक्स, दुकान किराया और स्वच्छता शुल्क अब तक जमा न कर सके लोगों के निगम में टैक्स अनुभाग के सभी काउंटर आज रविवार रात तक खुले रहेंगे। हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर लोगों से जाना तो उन्होंने कहा कि दुकान अभी कुछ महीने पहले ही खरीदी है और उनके पास टैक्स पिछले 3-3 साल तक का आ रहा है, जो वो कहां से जमा करें। पुराने मालिकों ने टैक्स नहीं भरा, इसे लेकर भी लोगों की समस्या बनी हुई थी। वहीं अधिकारियों का कहना था कि वे आज हर इलाके में जाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और रविवार होने के बावजूद आज रात 12 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा। जिसने भी टैक्स नहीं भरा है भर सकता है, टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। हमने प्रॉपर्टी ली जुलाई 2023 में और हमारे को एक लीगल नोटिस आया हुआ है पुराने टैक्स का। फॉर एग्जांपल, पुराने जो सेलर था उसने टैक्स नहीं भरा है प्रॉपरली, तो उसका नोटिस 24 लाख का आया हुआ है मेरे को। और कल तक वो ऑनर बोल रहा था कि जमा करेगा, आज उसने मना कर दिया है और ये सील करने की बात कर रहे हैं कि अगर हम जमा नहीं करेंगे तो वो सील हो जाएगी। 434 गाजीपुर पेपर मार्केट का एक प्लॉट लिया था, जिन्होंने मालिक ने बेचा, रजिस्ट्री कर दी। उसके बाद जब मेरे पास 22 लाख का नोटिस आया तो मैंने उसको बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ जी। उसके बाद उसका इंचार्ज आया हुआ है, उन्होंने बोला कि मैं भरूँगा। अब आज अचानक कर रहे हैं मैं नहीं भरूँगा। अब मैं डिप्रेशन में हूँ सर, 2-3 महीने से 3 लाख रुपया मेरा खाली लोन जाता है सर उस पर। पार्टी जो है बोला कि मैं भरूंगा, रोज बुलाता है मुझे, रोज भगा देता है शाम को। अब नहीं भर रही है? नहीं, आया हुआ करे मैं नहीं जानता हूँ। कंप्लेन मैंने कोर्ट से, वकील से नोटिस भी करवाया हूँ सर। नोटिस मिला हुआ है, वो हमने तो रेंटेड अभी ली है प्रॉपर्टी, कोई प्रीवियस का होगा उसका हमें पता लगा अभी MCD से। कितना टैक्स पिछला है उसका? मेरे ख्याल से 23 लाख के करीब है। वो मना कर रहे हैं जी देने को। कोई नोटिस आपको दिखाया गया था कि क्लियर है दुकान पे? हाँ, उन्होंने हमें दिया था नोटिस का, इसमें दी और रजिस्ट्री के अंदर भी लिखा हुआ है सर सब कुछ। नहीं, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कोई लाइबिलिटी निकलेगी तो आप जिम्मेदार। टैक्स वाले आ रहे हैं, हमने पहले भी बोला है सबको, डेली बोलते हैं, अनाउंस करते हैं कि भी अपना टैक्स भरो, 31 तारीख लास्ट डेट है। आज भी हमारा ऑफिस रात को 12 बजे तक खुला रहेगा टैक्स के लिए, भरने के लिए, ऑनलाइन के लिए। लोगों को दिक्कतें आ रही है कि इनको अभी छूट नहीं मिली है। पीछे से पिछली बार हमने समृद्धि योजना का हमने स्कीम लगाई थी, कैंप भी लगाया लोगों को और 4-5 जगह हर जगह लोगों को इन्वाइंस किया, बोला भी जाके और दुकानों में, घरों में। शाहदरा जिले के थाना साइबर पुलिस की टीम ने धोखाधड़ी मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शहादा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीण और रचिन शर्मा के रूप में हुई है। साइबर सेल में शिकायतकर्ता मनोज जैन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके साथ 16,40,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उन्होंने धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए उपयोग किए गए बैंक विवरण और लिंक किए गए मोबाइल नंबर को इकट्ठा किया, जिसमें ठगी की गई राशि के 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और नंबर का CDR भी एकत्र किया गया और उसका विश्लेषण किया गया। पुलिस की टीम ने छापेमारी की गई और टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। शहादरा जिले के थाना साइबर पुलिस की टीम ने धोखाधड़ी मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया साइट पर इसने एक प्रोफाइल बनाई, फिर आरोपी ने 16 लड़कियों के साथ चीट कर पैसों की डिमांड की थी, जिसके बाद साइबर पुलिस के पास एक कंप्लेंट पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से एक और केस का खुलासा किया गया। केस का खुलासा हुआ, आगे पुलिस जाँच कर रही है।
शास्त्री पार्क पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान यासीन के रूप में हुई है। उसके कब्जे से पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सोहेल उम्र 22 वर्ष ने 4 साल पहले इशरत उम्र 23 वर्ष से शादी की थी। उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 1.5 साल थी। नवम्बर 2023 में उनका तलाक हो गया। इशरत कोशाम्बी गाजियाबाद यूपी में एक बार गर्ल के तौर पर काम करती है। इशरत यासीन से शादी करना चाहती थी। जब सोहेल और मुस्तकीम ने लगभग रात 1 बजे इशरत से मिलने का फैसला किया जो यासीन को पसंद नहीं आया, उनके बीच कहासुनी हो गई। यासीन ने कम से कम 3 राउंड फायरिंग किए। सोहेल ने झुककर बचाव किया जबकि मुस्तकीम के सीने में गोली लगी। उसे जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यासीन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। शाहदरा के ज्वाला नगर सत्यनारायण मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ रविवार से हो गया है। कथा से पूर्व महिलाओं और भक्तों ने ज्वाला नगर में कलश यात्रा निकाली। ज्वाला नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। कलश यात्रा नगर के मुख्य चौराहे बाजार से गुजरते हुए कथा स्थल सत्यनारायण मंदिर तक पहुंची। इसके बाद संवाददाता ने कथावाचक पंडित यशपाल जी महाराज से बात की तो उन्होंने बताया कि श्रीमद भागवत पुराणों में सबसे पहले पूजनीय है। इससे सुनने से ही कष्टों के साथ जीवन जीने की सीख मिलती है। ये श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वाला नगर शाहदरा में प्रतिवर्ष कथा होती है। इस बारी 31 मार्च से 7 अप्रैल तक ये कथा चलेगी। आज 31 मार्च को 251 महिलाओं ने कलश उठा करके इसमें हिस्सा लिया है और ये शोभा यात्रा पूरे क्षेत्र में निकाली जा रही है। 2 बजे से 6 बजे तक ये प्रतिदिन कथा हुआ करेगी। कहा जाता है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, यानी सभी यज्ञों में सभी अनुष्ठानों में सबसे ऊपर अनुष्ठान होता है श्रीमद् भागवत जी का। भागवत कथा सुनने से अनंत लाभ मिलता है और व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हुआ करती हैं। यानी कलयुग में श्रीमद् भागवत जी से ऊपर कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। श्री सत्यनारायण मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से बहुत आनंद आ रहा है। प्रति वर्ष के भांति अब की बार और ज़्यादा भक्तों में बहुत खुशियां हैं और सबके घर आनंद है। देखिए, ये हमारे वार्षिक भागवत कथा है। लगातार 10 सालों से हम कराते आ रहे हैं सारे क्षेत्रवासी और भव्य है तरीके से हो रहा है। आप देख रहे हो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इस भागवत कथा में सम्मिलित है। क्षेत्र का अधिकतर हर महिला कलश यात्रा में सम्मिलित हुई है। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। हर साल उठाते हैं, पहली बार उठाया नहीं अभी तो मैंने पहली बार यहाँ से तो पहली बार उठाया। 2 बार मैं विवेक विहार से, 3 बार उठा चुकी हूँ। अच्छा लग रहा है। हमने कम से कम 10 बार उठा लिया यहाँ से। हाँ जी, 10-11 साल से उठे। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित पार्क में गंदगी का अंबार है। एक तरफ पतझड़ के कारण गंदगी फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने यहां घर का कूड़ा कचरा भी लाकर डाल दिया है। साथ ही यहां कई बेंचों की हालत भी खराब है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम के समय यहाँ असामाजिक तत्व नजर आते हैं। महीनों तक कोई सफाई नहीं करने आता, लाइट्स भी खराब रहती है जिसकी आड़ में गलत कामों को अंजाम दिया जाता है। देखिए, ये पार्क जो है, इस पार्क के अंदर बड़े बड़े तो गड्ढे हो रहे, चूहों ने अपना घर बना रखा है। दूसरा, इस पार्क के अंदर बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। के जो गड्ढे, जो जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, इनको भी कराना चाहिए ठीक। लाइटिंग वगैरह कुछ, रात को इसमें ही बैठते हैं यहाँ पर, रात को यहाँ पर उल्टे सीधे काम करें। असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर रात को बैठते हैं। गार्ड नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है। माली अगर है तो दूसरे पार्कों में होगा, उठा के आके साफ सफाई कराए माली से यहाँ पर। ये तो एक पार्षद का काम है। यहाँ की जनता देखिए बहुत परेशान है। यहाँ के लोग, आसपास के लोग, कितनी बार हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है। बेंचेस भी लगा रखे हैं दिल्ली सरकार ने। अब एमसीटी का पार्क पार्षद को भी तो कुछ करना चाहिए। पार्क हैं, आप देख रहे हैं कैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, न बैठने की जगह ढंग से है, सारे साफ सफाई नहीं है और यहाँ पे इतनी गंदगी है, कोई सफाई के लिए कोई कर्मचारी आता नहीं है। कभी नहीं होती है, यही मिलेंगे गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे, और क्या दिखेंगे, बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे। यहाँ के जो पार्षद हैं उनको ये काम तो करवानी चाहिए। बहुत रात को बैठते हैं, नशेरी गंजेरी, गांजा पीते हैं, अफीम गांजा ये सब चलते हैं यहाँ पे, सारे बोतल यहाँ पे। पहले तो पार्क के यहाँ मरम्मत होनी चाहिए ढंग से, गड्ढे भरे जाना चाहिए, तब लोग आएंगे, सोसाइटी लोग बैठेंगे यहाँ पे, महिलाएं आएंगे बैठेंगे। बिल्कुल डर लगता है, इसमें के सामने कोई आएगा, बदतमीजी करते हैं वो, छिड़कानी कोई पानी का छिड़काव नहीं। देखिए ना, पूरे ऐसे ही पड़ा हुआ है, गड्ढे मोटे मोटे गड्ढे हैं, चूहे हुए हैं सारे इस पार्क में।
दिल्ली के लोग जाने अनजाने यमुना को गंदा कर रहे हैं, पूजा सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री और कूड़ा यमुना में डाल रहे हैं और यमुना में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। त्योहारों के दिनों में बड़ी संख्या में लोग पूजा सामग्री फेंकने के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि लोग यमुना में पूजा सामग्री आदि नहीं फेंक सकते, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएं। यमुना में फैली गंदगी पर पूर्वी दिल्ली के लोगों का मानना है कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उन नियमों को सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सरकारें आईं लेकिन यमुना की स्थिति आज भी मैली ही है। साथ ही लोगों में जागरूक होना पड़ेगा और गंदगी यमुना में डालने से रोकनी होगी, जिससे कि यमुना भी साफ हो सके। इसकी सफाई तो पूरे साल हुई है। अच्छा, लेकिन हालत अभी भी गंदी है इसकी। ये तो धूल मिट्टी आएगी, पिन्ने डालते लोग बाग आन के। गार्ड है, बाहर है, गेट पे है गार्ड। मना करते हैं मगर फिर भी इधर इधर से आए थे लोग बाग। सफाई तो ये सुबह शाम होती है, सारा दिन मतलब हर वक्त नहीं। जैसे अभी पीछे चल रही थी सफाई का, वो नवंबर दिसंबर में हो रही थी, उससे जब से हुई भी उसके बाद फर्क पड़ा सफाई का। सफाई तो फर्क पड़ा है। साथियों, यमुना गंदी क्यों है और क्यों साफ होगी, इसका स्पष्ट कारण यह है कि व्यावसायिक उद्देश्यों की जब जो अपशिष्ट है, जो गंदगी है, जब तक वो यमुना में जाती रहेगी, यमुना कभी साफ नहीं हो सकती। याद करिए, कोरोना का वो समय जब कोविड फैला हुआ था, तो जब इंडस्ट्रीज बंद थी, वहाँ जो गंदा पानी, चमड़े का पानी जब यमुना में नहीं जा रहा था, यमुना अपने आप साफ हो गई थी और बंगाल की खाड़ी तक जो जहाँ तक भी यमुना की पहुँच है, पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया था। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जनता भी ऐसे लोगों को चुनने में गुरेज नहीं करती जो या तो भ्रष्टाचारी हैं या जो कानून के प्रति लापरवाह हैं। जनता को यह समझबूझ दिखानी होगी कि हम चाहे कैसे भी हो, गंदा पानी यमुना में नहीं जाने देंगे। मलबा, मल, विषैले पदार्थ, शवदाह, ये सब का यमुना में नहीं जाना चाहिए। यमुना को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कई समितियां और नीतियां बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो यमुना का हाल है वो बदतर है। क्योंकि बात करेंगे यमुना की, तो यहाँ पर यमुना बहुत ज़्यादा मैली है। आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए वहाँ केवल गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। यहाँ पर लोगों द्वारा फेंकी हुई हवन सामग्री, पूजा सामग्री, साथ ही गंदगी, कचरा दूर दूर तक फैला हुआ है, जिससे कि यमुना का पानी जो है पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। यमुना जिस तरीके से मैली नज़र आती है, उसमें राजनीतिक पार्टियां कई बार काम भी करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपना काम सख्ती से नहीं करती हैं, साथ ही लोग भी जागरूक नहीं हैं जो कि लाकर गंदगी इस यमुना में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार दिन प्रतिदिन यमुना जो है मैली होती जा रही। और ये गंदगी की संख्या उस समय सबसे अधिक बढ़ जाती है जब पूजा का समय होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई तीज होती है, उस समय में सबसे ज़्यादा गंदगी लोग यमुना में फेंकते हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं लोग और राजनीतिक पार्टियां दोनों जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यमुना मैली हो रही है और जो भी नियम बनाए जाते हैं उनका उल्लंघन जो है लगातार होता जा रहा है, जिसका खामियाजा जो है यमुना जी को भुगतना पड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उनको भी इस गंदगी को देखना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।